अर्जुन पाजी बंद झटपटाहट हो रही है ना माया, समझ नहीं आ रहा है ना कि जिस कुत्ते को तुमने पाला था वो कुत्ता कभी तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है। कुत्ते को जब लात मारोगे ना तो वो जबड़े से तुम्हारी टांग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। फोन पे तुमने जो देखा था ना वो कभी हुआ ही नहीं था। मैंने सांझ को गोली कभी मारी ही नहीं थी। तुम्हारे लिए एक और गुनाह करने से पहले मैं ये देखना चाहता था कि तुम इस गुनाह के काबिल हो या नहीं। मैं अर्जुन और सांझ के साथ मिला हुआ था। तुम्हारा सच जानने के लिए एक मिनट राजीव, ये जुर्म करने से पहले तू एक बार ये सोच ले कि माया इस जुर्म के लायक है भी या नहीं। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे मार देगा तो माया तुझे अपना प्यार दे देगी? तो ठीक है, ले मार दे मुझे, लेकिन डस की कुछ होगी, डस की को मार कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगा तो दस की माया की लाइफ में जाएगी नहीं। तो एक काम कर, मार और दस की को छोड़ दे। अर्जुन तू पागल हो गया क्या? मुझे मार दे और खेल खत्म कर। माया तुझे अपने हाथों से मारना चाहती है। देख राजीव, जब तक मैं हूं मैं डस्की को कुछ नहीं होने दूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूं तुझे अपना प्यार नहीं मिलेगा। कम ऑन शूट, मार। मारना है ना मुझे, मार दो, पर राजीव ये बात जरूर याद रखना, मेरे मरने के बाद भी माया तुमसे प्यार कभी नहीं करती। देख राजीव, राजीव माया तुम्हारे साथ गेम खेल रही है, तुम्हारे जरिए वो अर्जुन तक पहुंचना चाहती है, इसलिए उसने तुमसे कहा है कि अर्जुन को जिंदा लेकर आओ। माया मुझसे प्यार करती है। माया तुमसे नफरत करती है। माया ने मुझसे वादा किया है कि अर्जुन के मरने के बाद वो मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। तुझसे प्यार करती है। और तुम्हें अभी भी यकीन है कि माया तुमसे प्यार करती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी? तुम जानते हो कि माया को गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। तुम माया के लिए गंदे हो। माया ने तुम्हारे हाथ मेरे पापा का खून करवाया था। जानते हो क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अर्जुन के साथ रहना चाहती थी।
माया ने खुद अपनी मां को मारने की कोशिश की। क्योंकि वो अर्जुन के साथ रहना चाहती। माया ने खुद अपनी मौत का झूठा ड्रामा किया। क्योंकि अर्जुन उसे छोड़कर जाने वाला था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हें अभी भी लगता है कि माया तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। नहीं समय, माया तुमसे प्यार नहीं करती। माया सिर्फ और सिर्फ अर्जुन से प्यार करती। अर्जुन उसकी ऑब्सेशन है, उसकी सनक है। और माया ने तो अपनी सनक के बीच में अपने बच्चे तक को नहीं आने दिया। तो फिर तुम क्या चीज हो? ये सच नहीं है। माया मुझसे प्यार करती है। माया तुमसे प्यार नहीं करती है। माया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। एक यूज टिश्यू पेपर होता है ना, बिल्कुल वैसे। माया तुम्हें यूज करती है और यूज करने के बाद फेंक देती है। अगर माया तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारे लिए मरने को तैयार है, तुम्हें मारने को नहीं। राजीव, जानते हो प्यार क्या होता है? प्यार वो होता है जिसके लिए सब कुछ उड़ा देने का मन करे। प्यार वो होता है कि जब मौत भी सामने खड़ी हो ना, तो सीना ठोक कर खड़े हो जाए। प्यार वो होता है जो हमेशा साथ है, फिर चाहे वो वक्त बुरा हो या अच्छा। अर्जुन मेरे लिए मरने को तैयार है और मैं उसके लिए। प्यार ये है, प्यार वो नहीं जो माया कहती है कि वो तुमसे करती है। माया तुमसे प्यार नहीं करती है और इसीलिए वो तुम्हारे लिए नहीं मरेगी, ना अर्जुन को मारेगी। माया तुमसे नफरत करती है और माया की नजरों में नफरत का मतलब मौत है, मौत है, मौत है। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो बस एक मौका दो, मैं तुम्हें प्रूव करता हूं। राजीव, तुम शट अप। माया, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा सच जानने की कोशिश की थी। राजीव, तुम्हें काम करना, तुम मुझे और अर्जुन को बांध देना और माया को ये कहना कि तुमने हम दोनों को मार दिया। और अगर उसके बाद माया खुश हो जाती है तो तुम उसी वक्त मुझे और अर्जुन को मार दे। पागल हो गई, माया हम दोनों को मार देगी, इसके बचने के चांसेस भी कम हो। कुछ पाने के लिए कोई तो रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मुझे तेरी टेंशन। तुझे कुछ हो गया तो होने दे, तेरे लिए इतना कुछ सहा है तो एक मौत ही सही। Thank you.
आया, तुम्हारा गिफ्ट तैयार है। देखा अर्जुन, प्लान कामयाब हो गया ना। आज इन दोनों ने मुझे एक बहुत बड़ा गुनाह करने से रोक लिया। मैं ही पागल था जो तुम जैसी औरत की बातों में आ गया। तुम पागल थे जो तुमने मान लिया कि मैं तुमसे प्यार कर सकती हूं। राजीव, कीचड़ पे हाथ उठाएगा ना तो हाथ अपने ही गंदे होंगे। कीचड़ है, राजीव तस्की, जब तक ये यहां पर है हम में से कोई ना कोई हमेशा इसकी नजर के सामने रहेगा। हमारी नजर हटी ये चुड़ैल भाग जाएगी या हमें खा जाएगी। क्या हुआ डस्की, तू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुझसे बेटर हूं, तो अपनी फिक्र कर। तेरे को ठीक करूं? कैसे? एक सेकंड। हेलो सुमन आंटी। अर्जुन बच्चे कहाँ हो तुम? कैसे हो तुम दोनों? तुमने इससे पहले फोन क्यों नहीं किया? सांझ कहाँ है? बच्चा मुझे कितनी टेंशन है तुम लोगों की। वो माया मिली क्या? हाँ मिली, और ऐसी मिली है कि अब कहीं जा नहीं पाएगी। हमने पुलिस को बुला लिया माया की खातिरदारी कर। बद्दुआ लगेगी उसे, हाय वो भी मेरी, वो भी डबल डबल। मैं माया को पुलिस के हवाले करते ही आपकी बेटी को ले आऊं गोदी। थैंक गॉड, भगवान ने मेरी सुन ली। तुम दोनों ठीक तो हो ना बच्चे? हेलो सांझ, सांझ तू कैसी है बेटा? तू ठीक तो है ना? तुम दोनों ठीक हो? हाँ सुमन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बाद में कॉल करती हूँ। तुझे मार कर ना मुझे और भी बेटर फील हो रहा है। अब एक एक दुख का हिसाब देना पड़ेगा। हे गॉड थैंक यू सो मच शोब, आई एम सो हैप्पी, पले 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 सो हैप्पी। मैं जानती हूं माया आपकी बेटी है, मगर आप ये मत भूलिए उस माया की वजह से ही आप आज यहाँ पे, और उसी माया की वजह से हम सबकी ये हालत है। जानवी, आपको ममता का मोह छोड़ के सच का साथ देना होगा। आप सच का साथ देंगी ना? Thank you.
हमारी लड़ाई खत्म होने वाली है। अब माया हम सबकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। मैं जानता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए सॉरी काफी नहीं है। कोई जरूरत नहीं, बात नहीं मानेगी और कोशिश भी मत करना। जो कुछ किया इस चुड़ैल ने किया। कभी तुझे पकाया मुझे फंसाया, कभी तुझे फंसाया मुझे पकाया, इसको सॉरी बोलना चाहिए। माया तो चक्कर चलाने में माहिर है अर्जुन, अपने चक्कर में किसी को भी फंसा सकती है। अब तुम्हारे छटपटाने का कोई फायदा नहीं है माया। तुम्हें जो भी तकलीफ जो भी दर्द हो उसका एहसास अब किसी को भी नहीं होगा। अजीब बात है अर्जुन, सब कुछ बदल गया, बस एक चीज नहीं बदली। मुझे कल भी तुमसे जलन होती थी और आज भी तुमसे जलन होती है। कल जलन इसलिए होती थी क्योंकि माया तुम्हारे साथ थी, और आज जलन इसलिए होती है क्योंकि सांझ जैसी अच्छी दोस्त तुम्हारे साथ है। सांझ की दोस्ती, सांझ का भरोसा, सांझ का प्यार, सब कुछ मुझे मिल सकता था। लेकिन इस माया के लिए मैंने सब कुछ ठुकरा दिया। हीरे को पत्थर समझ बैठा और पत्थर को हीरा। एक झूठ को पाने के लिए मैंने सच का साथ छोड़ दिया। एक झूठ को पाने के लिए मैंने सच का साथ छोड़ दिया। देर से आए? दुरुस्त है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि गलती करो लेकिन कोशिश करना कभी मत छोड़। और कोशिश तब तक करते रहो जब तक गलती हार ना मान ले। मेरी गलती ने हार मान ली अर्जुन, मेरे गुनाहों ने तो दोस्ती के दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्यों ना आज इस दुश्मनी को भी खत्म कर दें। ऑल दिस पे सांझ थस्की, ठीक है? हाँ, खून निकल रहा है, तुझे आराम की जरूरत है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। ऐसे कैसे नहीं? समय तो एक काम कर, तो उस माया पर नजर रख। मैं डस्की को अंदर लेके जाता हूँ, उसे आराम करवाता हूँ। तुम सांझ को लेकर जाओ, मैं इस माया का ख्याल रखता हूँ। You should.
तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया अर्जुन, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।